मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने हल्के असेंबली जुबली हिल्स के मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज के रोड शो में शिरकत की। इस दौरान अकबरुद्दीन अवैसी ने इरागड्डा, जामा मस्जिद, सुल्तान नगर, फातिमा नगर, बोरा बंडा का दौरा करके अवाम से मुलाकात करते हुए अवाम से पतंग के निशान को वोट देकर मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। इस मौके पर जुबली हिल्स के इंचार्ज अनवर सादत, कारपोरेटर जानी मियां के अलावा दीगर मुकामी मजलिसी कायदीन और कारकुनान की कसी तादाद मौजूद थी। अपने इत्तेहाद के जरिए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की ताकत में इजाफा कीजिए और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब फराज साहब, जिनका इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग पर बटन दबाकर मजलिस को कामयाब कीजिए। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बरसा बरस से आपके दरमियान में रही, आपके मसाइल को उठाती रही, आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करती रही। इज्तिमाई मफादात को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने महफूज रखा और इज्तिमाई मफाद मिल्लत का जिसमें है वो फैसला किया। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपके दरमियान में उम्मीदवार बनकर आई है, इसलिए आई है कि एक वक्त होता है जब हम बीज बोते हैं, दूसरा वक्त वो होता है जब हम फसल को तैयार करते हैं और तीसरा वक्त वो होता है जो तैयार फसल को एक किसान काटता है। तो हमने बीज बोया था, फसल तैयार की और आज फसल को काटने का वक्त है। तकसीम बहुत है, इत्तेहाद हम में हो जाए तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का उम्मीदवार कामयाब हो सकता है।